वेलकम टू माई YouTube चैनल लर्निंग इज़ फन। मैंने लास्ट वीडियो मैंने अपना पोस्ट किया था, टॉपिक था टेंसेस। आज भी मैं टेंसेस को आगे बढ़ा रही हूँ। अभी इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि इसकी यूसेज कैसे हैं, किस तरीके से कोई भी सेंटेंस किसी भी फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो उसको एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे चेंज करते हैं। तो लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। He is writing a letter. किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए सबसे पहले उसके सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करना पड़ता है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही, ये सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग वर्ब है, एंड अ लेटर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम इसी को देख के हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को फ्रेम कर सकते हैं और ये पता कर ले सकते हैं कि ये कौन से टेंस का है। यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज है, तो इज के साथ आप जब याद करेंगे तो आपको याद आएगा दैट इज, एम और आर, ये तीनों एक साथ आते हैं। डिपेंड रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट है। तो इज, एम, आर प्लस, इसके बाद प्लस है, प्लस राइटिंग यानी वी वन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आई एन जी और ये ऑब्जेक्ट है लेटर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो अगर आपने अगर मेरा पिछला वाला देखा होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसमें मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी दिया था टेंस में, तो उसके साथ आप कंपेयर करते तो ये हमको ये मिलेगा कि ये जो है ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर आपका एग्जाम में आया कि प्रेजेंट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू किसी और भी टेंस में आपको चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में करने के लिए बोल रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो मैं सब्जेक्ट की जगह पे ही लिख दूंगी। प्लस क्या है, वी टू यानी वर्ब का हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो सेकेंड फॉर्म के लिए क्या होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। वी वन, जैसे इसका हमारा ओरिजिनल वर्ड क्या है, राइट, तो जो भी ओरिजिनल वर्ड होता है वो हमेशा वी वन होता है। अब हमारा वी टू, राइट का वी टू क्या हो जाएगा, रोट, और वी थ्री हमारा हो जाएगा रिटर्न। तो इसके हिसाब से हमें वी टू चाहिए यानी हमें क्या चाहिए, रोट चाहिए। हम यहाँ पे रोट लिखेंगे, रोट, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट ही रहता है, यहाँ पे हमने लिखा है अ लेटर, तो यहाँ पे अ लेटर ही होगा। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और सिंपल पास्ट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कैसे लिखेंगे। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट था ही, तो मैं यहाँ पे ही लिख लेती हूँ। और मैं देखिए मैंने एक ही सब सेंटेंस को बार बार कर रही हूँ, मैं दूसरे सेंटेंस नहीं ले रही हूँ जिससे कि कन्फ्यूजन न हो। आप एक ही सेंटेंस से समझ सकते हैं कि मैं सिर्फ किस चीज़ों को मैं चेंजेस कर रही हूँ, पूरे सेंटेंस को ना चेंज करके सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज आ रहा है और वर्ब का ही चेंज आ रहा है, क्योंकि टेंस का मतलब होता है काल, और काल का काम सिर्फ वर्ब से ही होता है और किसी में चेंजेस नहीं आता है। तो हमारा सब्जेक्ट था ही, तो मैंने ही लिख लिया। वॉज वर, वॉज वर में से मुझे क्या लिखना है, वॉज लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये जो वॉज है ये सिंगुलर को दिखाता है। अगर जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक ही है यूनिट, उसके लिए मुझे वॉज लिखना है। और वर कब लिखेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी एक से ज़्यादा हो, तब मैं वर लिखूंगी। सोचिए यहाँ पे ही है, ही की जगह पे दे, दे मतलब वे सब, अब दे आ जाएगा यानी बहुत सारे लोग, तो क्या हो जाएगा, दे वर। यहाँ पे ही सिंगुलर है तो ही वॉज, और यहाँ पे हो जाएगा वी वन, वी वन हमारा क्या था, वी यानी राइट, राइट में इसमें क्या जोड़ना है मुझे, आई एन जी, तो ये हो जाएगा राइटिंग, और ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अब इसके बाद देखिए पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री
प्लस ऑब्जेक्ट, तो मेरा सब्जेक्ट क्या था, इसी को कुछ नहीं करना है, खाली वर्ड्स को मुझे लगाते ही जाना है। आप देख रहे होंगे फॉर्मूला में मैं खाली पुट करते जा रही हूँ। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही, ये ही ज़रूरी नहीं कि आपको भी ही लेना है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सब्जेक्ट मैंने ही लिया है और हैड है क्योंकि फॉर्मूला में हैड है तो मैंने हैड लिया है। वी थ्री देखिए यहाँ पे मैंने क्या था, राइट का राइट, रोट एंड रिटर्न, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, रिटर्न। और ऑब्जेक्ट है क्या है, अ लेटर। अब दूसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट के बाद आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट के भी इसमें गुण होंगे और कंटिन्यूअस के भी गुण होंगे। तो परफेक्ट का क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते वक्त देखिए, याद रखिएगा कि परफेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कंटिन्यूअस के गुण, कंटिन्यूअस का गुण क्या होता है, कंटिन्यूअस का गुण है वी वन प्लस आई एन जी। तो यहाँ मैं क्या लिख लूँगी, एक नया वर्ड ऐड हो जाएगा, बीन, बी डबल ई एन, बीन, प्लस इसके बाद आएगा वी वन प्लस आई एन जी, वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट था ही, उसके बाद देख कर मैं लिख लूँगी हैड, हैड के बाद क्या आएगा, बीन, उसके बाद क्या आएगा, वी वन प्लस आई एन जी। वी वन क्या था मेरा, राइट, तो उसमें आई एन जी जोड़ के हो जाएगा राइटिंग, और ऑब्जेक्ट था मेरा अ लेटर, तो यहाँ मैं लिख लूँगी अ लेटर। तो इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस, इसी को हम प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। तो दो क्यों होता है, एक जो एक में जो है वी वन प्लस ई एस या फिर एस, ये कब लगता है, जब सब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर, और वो भी फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के लिए है। और ई एस कब लगेगा, जब ये सिंगुलर है, और सॉरी ये थर्ड पर्सन अगर है तो ही लगेगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो हमारा वी वन के साथ ई एस या फिर एस लगेगा। और सिर्फ वी वन कब लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या फिर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो उसमें वी वन लगेगा। सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर हम किसके लिए यूज़ करेंगे, ही, शी अथवा इट अगर है तो हम सेम सेंटेंस यूज़ करेंगे, यानी शी राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ऐसा है। लेकिन ये वाला कब यूज़ में आएगा, जब हम आई लगाएंगे। मैंने क्या बोला, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट में अगर मैंने आई लगाया या फिर वी लगाया तो क्या हो जाएगा, आई या फिर वी राइट, राइट आएगा सिर्फ, क्योंकि ये वी का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या था, राइट, और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, ये वैसे ही रहेगा। देखिए ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बदलता, ऑब्जेक्ट में कोई असर नहीं होता इसमें। अब देखिए दूसरा, अगर मैं सेकेंड पर्सन ली, जैसे यू, यू के साथ भी क्या हो जाएगा, राइट, राइट अ लेटर। अब हम दूसरा लेते हैं, अब मैंने सिंपल प्रेजेंट बता दिया, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन वो मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको बता दिया था। तो अभी मैं आपको क्या बताऊँगी, अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव में से चॉइस करना है, हैज़ हैव कब आएगा, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था मेरा, ही, तो मैं ही लिख रही हूँ। हैज़ हैव में क्या हो जाएगा, हैज़ या फिर हैव में क्या लगेगा, जैसे ही क्या है, थर्ड पर्सन, मैंने पहले बताया था ही थर्ड पर्सन, तो ही के साथ क्या जोड़ना है मुझे, हैज़ जोड़ना है, तो हैज़ जोड़ दूंगी मैं, हैज़। और वी थ्री क्या हो जाएगा, राइट का क्या था, रिटर्न, मैंने पहले ही बताया, तो रिटर्न, डब्ल्यू आर आई टी टी एन, रिटर्न अ लेटर। तो अब जो सब्जेक्ट में ही अगर है तो उसमें हैज़ लग रहा है, शी भी अगर होता तो भी हैज़ लगता, इट अगर होता तो भी हैज़ लगता, यानी कि ही, शी अथवा इट कैसे भी लगाएं तो हैज़ ही लगेगा। अब हैव कब लगेगा, हैव बाकी सब में लगेगा, यानी कि आई हैव, या फिर अगर मैं बोलूँ वी हैव, या फिर मैं बोलूँ यू हैव, यानी जब फर्स्ट पर्सन आई हो, वी हो, यू हो, अथवा सब्जेक्ट जो है, इधर मैं बोल सकती हूँ कि व्हेन द सब्जेक्ट इज़ इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा लोग, जैसे दे,
चिल्ड्रन, ये सारे तो हैव और ये क्या हो जाएगा, यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएगा, वी थ्री शुड बी सेम एज इट इज़। यहाँ पे देखो सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न का रिटर्न ही रहेगा, रिटर्न अ लेटर। इन द सेम वे यहाँ पे भी वैसे ही आएगा। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने फिर से बता रही हूँ, नाम से देखिए परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कम्बिनेशन है। तो प्रेजेंट के लिए सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए मुझे क्या करना है, हैज़ या फिर हैव प्लस, क्योंकि एक नया आना चाहिए वर्ड, दैट इज़ बीन, और दूसरा कंटिन्यूअस है तो वी वन प्लस आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा क्या था, ही, फिर हैज़ हैव के साथ मैंने पहले ही बोला कि ही के साथ क्या लगेगा, हैज़, तो मैं यहाँ पे हैज़ लगा दूंगी। फिर बीन है, बीन कॉमन है, बीन कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें बीन ही लगाना है, ही हैज़ बीन। वी वन हमारा क्या था, वी हमारा था राइट, तो राइट और उसमें मुझे क्या जोड़ना है, आई एन जी, तो राइटिंग अ लेटर। चलिए ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सामने मैंने बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको बताती हूँ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल में जो भी होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल फ्यूचर टेंस का मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताती हूँ। इसका क्या था, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। आगे फ्यूचर का बताने के पहले फिर से और एक बार मैं आपको बोलती हूँ, अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, मेरी टॉपिक आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरीके से मैं आगे भी आपको नए नए वीडियोस लाती रहूँगी, जिससे आपकी पढ़ाई और कॉन्सेप्ट एकदम ईजी होता चला जाएगा। तो इसी को चलिए आगे हम लेते हैं, ही सब्जेक्ट हमारा था ही। मैं देखिए आपको लग रहा हो कि बार बार एक ही चीज़ क्यों ले रही हूँ, मैं जानबूझ के ले रही हूँ, जिससे कि अगर मैं एक बार ही, एक बार शी, एक बार गर्ल, एक बार बॉय, किसी का नाम ऐसा लूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आप देखिए कि सेंटेंस किस तरीके से बदल रहा है, सेम चीज़ ही है, किस तरीके से सेंटेंस टेंस के हिसाब से बदलता चला जा रहा है। तो सब्जेक्ट था हमारा ही, शैल विल में से मुझे विल हमें लगाना है, शैल कब लगेगा अब मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पे वी वन है, प्लस क्या है, प्लस वी वन, तो वी वन मेरा क्या था, राइट, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, ठीक है। अब मैं बताती हूँ शैल कब लगेगा, पहले तो ये कर लीजिए कि विल कब लगेगा। विल जो है वो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए लगता है, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड पर्सन के लिए, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के लिए विल लगता है। शैल कब लगता है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई बोलिए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आई और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वी, अगर हम आई या वी के बारे में बोल रहे हैं तो हमें क्या लगाना है, शैल, एंड देन वी वन, वी वन क्या था, राइट, अ लेटर। लेकिन कभी कभी आप ग्रामर बुक में देखते होंगे कि आई के साथ विल लग गया, वी के साथ विल लग गया, ही के साथ शैल लग गया, और किसी के साथ शैल लग गया। जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ आपको लग रहा हो कि फिर गलत कैसे हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कैसा हो रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रूल, जो आई और वी के साथ विल कब लगता है, व्हेन द वर्क विच इज़ टू बी डन, जो भी फ्यूचर में होने वाला काम 100% गारंटीड है। आप जो भी सोचिए, कुछ भी हो जाए, आपने मन में सोच लिया कि टुमारो आई हैव टू गो स्कूल इन एनी हाउ, तो आप क्या लिखेंगे, आई विल गो टू स्कूल, मतलब कल मैं किसी भी हालत में स्कूल जाऊंगा ही, और आई शैल बोला मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आई के साथ शैल ही लगेगा, आई वी के साथ शैल लगेगा और बाकी सब के साथ विल लगेगा। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, सिंपल फ्यूचर हो गया, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मैंने पहले भी बताया था, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल। ये जो शैल विल है ये कॉमन आता है, ये शैल विल लगता ही है, बिकॉज इससे क्या होता है, प्रेजेंट में से फ्यूचर में चेंज करते हैं, तो ये उसकी पहचान है, फ्यूचर टेंस की पहचान है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट,
तो सब्जेक्ट क्या था मेरा ही, उसके साथ मैंने पहले ही बोला विल लगेगा, ही विल, एंड देन बी वी वन ये राइट आ जाएगा, राइट में मुझे आई एन जी जोड़ना है तो राइटिंग, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। अब फिर से अगर मैं आई से बनाना चाहती तो कैसा होता, तो आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, वी शैल बी राइटिंग अ लेटर, ऐसे। चलिए नेक्स्ट, फ्यूचर या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल, ये कॉमन था तो यहाँ पे भी हम कॉमन ही लिख ले हैं, तो शैल या फिर विल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेरा सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था ही, तो फिर से मैं ही लिख दूंगी, शैल विल में से मैंने पहले ही बोला था विल लगेगा तो विल लिख दिया मैंने, सीधा सीधा कुछ नहीं कर रही हूँ, खाली मैं देख देख के वर्ड्स को डाल रही हूँ। तो ही विल हैव, वी थ्री क्या हो जाएगा राइट का रिटर्न, डब्ल्यू आर आई टी टी ई एन रिटर्न, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट था मेरा अ लेटर, तो ये अ लेटर भी आ गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा मेरा फोर्थ वन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बाद मैं लिखती हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि ये परफेक्ट और कंटिन्यूस का जैसे पहले वाले में भी था इसमें भी है, परफेक्ट और कंटिन्यूस का एमलगमेशन है, तो परफेक्ट का इसमें आ जाएगा हैव, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी, शैल विल पहले लिखूँगी क्योंकि ये कॉमन है फ्यूचर बनाने के लिए, तो शैल विल मैंने लिख लिया, फिर हैव जो है हमारा कॉम परफेक्ट का गुण, मैंने हैव लिख लिया, नया वर्ड आ गया बीन, उसके बाद आ गया कंटिन्यूस का, कंटिन्यूस का मैंने पहले बोला था वी वन प्लस आई एन जी, तो ये आ जाएगा वी वन प्लस आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट क्या है मेरा, यहाँ पे ही है, ही लिख लिया मैंने, शैल विल में से मैंने पहले बोला कि विल लगेगा प्लीज़, उसके बाद क्या हो जाएगा हैव, तो ये हो जाएगा विल हैव, और ये बीन आ गया मेरा, और इसके बाद वी वन प्लस आई एन जी यानी राइटिंग, और ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो ये मुझे, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, मेरा पढ़ाना आपको इजी लग रहा होगा शायद, अभी देखिए एक बार और एक बार आप देख लीजिए, हमने पूरा एक एक करके पूरा किया था, यहाँ मैंने प्रेजेंट का पास्ट का बताया था, यहाँ मैंने प्रेजेंट का बताया आप लोग को, और ये हो गया मेरा फ्यूचर टेंस। तो प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।